हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज बात करने वाले हैं देवो भाई के एजुकेशन के बारे में। देवो भाई कितने तक पढ़े हैं और कौन से स्कूल में पढ़े हैं, तो आज चलते हैं देवो भाई के स्कूल में और दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा, और देवो भाई की पढ़ाई के बारे में भी बात करेंगे आज। आपको बता दूं कि हम पहुंच चुके देवा भाई के स्कूल। ये देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है बोरावास का। तो हम चलते हैं आज इसके अंदर, आपको दिखाते हैं पूरी कमरे और कितने सारे कमरे हैं इसके अंदर। देवा भाई को देवो भाई इस कमरे में बैठते थे, ये पीछे कमरे देख रहे हो ये, तो आपको दिखाते हैं, चलते हैं अंदर। तो देवा भाई की पढ़ाई के बारे में बात की जाए तो देवा भाई 12th कंप्लीट कर चुके हैं, और देवो भाई की आर्थिक व्यवस्था खराब थी इसलिए देवो भाई ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है। और देवो भाई ने 1970 के दशक में एडमिशन लिया, और देवो भाई ने 1982 के लगभग 12वीं कंप्लीट कर ली है, और देवो भाई ने 12th पास की हुई है। देवो भाई ने आपको जानकारी के लिए बता दिए मैंने देवो भाई कितने तक पढ़े हुए हैं। तो इस वीडियो में दिखाना वाला हूँ देवो भाई किस किस कमरे में बैठते थे। ये कमरे देख रहे हो, ये सामने इसमें देवो भाई बैठता था, और देवो भाई ने उसके बाद में इसका निर्माण कराया है। अभी 1 साल 2 साल हुए इस कमरे को निर्माण किए हुए। आप अंदाजा लगा सकते हो देवो भाई ने 20 लाख रुपए का दान किया है स्कूल में और स्कूल का निर्माण कराया है। तो काफी महान आदमी थे देवो भाई, आप सोच सकते हो। अब चलते हैं वापस बाहर की तरफ और बाहर का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं देवो भाई के स्कूल के। यहाँ से 12th पास करके देवा भाई ने कंस्ट्रक्शन का काम संभाल लिया है। और आपको बता दूं कि देवा भाई के पास बहुत सारे गाड़ियाँ, कंस्ट्रक्शन का काम है, क्रेशर है। तो यार मैं दिखाना वो लोगों वो बोरावास की रोड। हम आ चुके हैं वापस स्कूल के बाहर, तो ये देख सकते हो ये बोरावास का तालाब है, और ये पीछे से घूम के दिखा देता हूँ मैं। ये री देवा भाई की स्कूल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर।